हेलो गाइस, तो आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एसर का नाइट्रो वीवो सीरीज़ का गेमिंग मॉनिटर, जो कि फुल एचडी एलईडी मॉनिटर है 24 इंच का, जो 1920x1080 फुल एचडी रेजोल्यूशन, आईपीएस पैनल, 1 मिली सेकेंड रिस्पॉन्स, एएमडी फ्रीसिंक, 0 फ्रेम, और इसमें ब्लू लाइट फिल्टर भी है और 0 फ्लिकर, फ्लिकर नहीं करेगा जब भी वोल्टेज अप डाउन होगी। तो चलो तब इसे अनबॉक्स कर लिया जाए। मेन बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो मुझे एक पावर अडैप्टर मिलता है, एक वीजीए केबल, एक एचडीएमआई केबल और एक ऑक्स केबल भी। ये सारे थे इनबॉक्स कंटेंट। यूजर मैनुअल भी इसी में देख लो, यूजर मैनुअल। चलो तब मैं मॉनिटर बाहर निकाल लेता हूँ। जी वही पावर अडैप्टर जो मैंने तुम्हें पहले दिखाया। ये HDMI केबल, ये मॉनिटर का स्टैंड और ये है मॉनिटर का बेस स्टैंड, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा है। चलो तो फाइनली ये मॉनिटर का भी अनबॉक्स कर लिया जाए। पैकिंग ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी, सही थी पैकिंग। चलो मॉनिटर में मैं एक VGA पोर्ट और 2 HDMI पोर्ट और 2 3.5mm जैक मिलते हैं। ये देखो मॉनिटर का फर्स्ट लुक, बहुत सही मॉनिटर है। S2H डिस्प्ले, बेजल्स बहुत ही कम है, फुल HD LED मॉनिटर है ये। चलो तब मैं मॉनिटर सेटअप कर लेता हूँ, उसका बेस फिट कर देता हूँ। और बेस लगाते समय याद रखना कि तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा बेस को अच्छी तरह से प्रॉपरली इंस्टॉल करने के लिए। क्लिक की साउंड आएगी, देखो जैसे क्लिक की साउंड आई, और तभी जा कर के बेस सही से फिट होगा उसमें। चलो ये मॉनिटर सेटअप, और वो देख लो मेरा पुराना वाला मॉनिटर जो कि काफ़ी छोटा है, वो शायद 16 इंच से भी छोटा है। और ये 4:3 TCO वाला मॉनिटर था। ये देखो मेरा पुराना मॉनिटर, ये है नया, और मैं इसे फर्स्ट टाइम बूट कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम बूट करने से पहले याद रखना कि तुम जब भी कोई मॉनिटर लेते हो तो पहले तुम्हें मैन्युअली पावर ऑन करना पड़ता है मॉनिटर से, उसके बाद तुम्हें डिस्प्ले शो करी। देखो जैसे ये है, ये मैंने फर्स्ट टाइम बूट किया था कंप्यूटर अपने इस नए मॉनिटर के साथ। देखो S2S डिस्प्ले बहुत सही है, बहुत सही मॉनिटर है ये। और हाँ, इस मॉनिटर में स्पीकर भी है, अगर तुम HDMI के थ्रू कनेक्ट करोगे तो फिर तुम्हें स्पीकर्स की, मतलब एक्स्ट्रा स्पीकर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनबिल्ट स्पीकर्स हैं इसमें। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय।